और अब खबरें होंगे विस्तार से। आज अयोध्या में रामलला का भव्य जलाभिषेक होने वाला है। 155 देशों की पवित्र नदियों के जल से अभिषेक किया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रामलला का जलाभिषेक करेंगे। जलाभिषेक के वक्त कई मंत्री और नेता भी शिरकत करेंगे। इस मौके पर विदेश के मेहमान भी यहां पहुंचेंगे। तो रामलला का जलाभिषेक किया जाएगा। 155 देशों की पवित्र नदियों का जल एकत्र किया गया है। रामलला का भव्य जलाभिषेक आज होगा अयोध्या में। आज उत्सव है। आज कई विदेशी मेहमान भी अयोध्या पहुंचेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ कई मंत्री भी शिरकत करते हुए नजर आएंगे। अयोध्या में भव्य तैयारियां इस कार्यक्रम को लेकर की गई हैं। राम भक्तों के लिए आज खुशी का दिन है, उत्सव का दिन है, क्योंकि आज रामलला का भव्य जलाभिषेक किया जाएगा। तो रामलला का जलाभिषेक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे। 23 अप्रैल को पूजा की जाएगी, यानी आज पूजा अर्चना करेंगे मुख्यमंत्री। जल कलश की पूजा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से की जाएगी। राजनाथ सिंह के भी शामिल होने की खबर है। वहीं पाकिस्तान और चीन समेत बाबर की जन्मस्थली की भी नदी का जल यहां पहुंचा है और जल को जानकी महल ट्रस्ट में रखा जाएगा। अभिजीत मुहूर्त में जलाभिषेक किया जाएगा। छावनी सभागार में जल कलशों का पूजन होगा। 25 देशों के राजदूत और प्रवासी भारतीय भी इस दौरान मौजूद रहेंगे। 155 देशों की नदियों का जल अयोध्या पहुंचा है। भगवान राम की जन्मस्थली अयोध्या, जिसके कण कण में प्रभु राम बसते हैं, इसी अयोध्या में आज करोड़ों राम भक्तों का सपना साकार हो रहा है। अयोध्या में जहां मंदिर का निर्माण युद्ध स्तर पर चल रहा है, देश विदेश के श्रद्धालु अपने आराध्य के दर्शन कर रहे हैं। इस बीच धर्मनगरी अयोध्या में पहली बार 155 देशों की पवित्र नदियों के जल से रामलला का जलाभिषेक किया जाएगा। तो सीएम योगी आदित्यनाथ कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। कई नेता और मंत्री भी यहां पहुंचेंगे। विदेशों के भी कई राजनयिक यहां उपस्थित रहेंगे। कार्यक्रम के दौरान धार्मिक और आध्यात्मिक गुरु भी शिरकत करेंगे। 155 देशों के जल को कलश में रखकर अयोध्या लाया गया है। विधि विधान के साथ मणिराम छावनी पर आज पूजा अर्चना होगी। उसके बाद निर्माणाधीन मंदिर पर जलाभिषेक किया जाएगा। कार्यक्रम में कई नेता मंत्री शिरकत करेंगे। कई विदेशी मेहमान भी इस दौरान उपस्थित रहेंगे। तो कुल 155 देशों से जल यहां पहुंचा है। पाकिस्तान, रूस, अलग अलग देशों की पवित्र नदियों का जल इकट्ठा हुआ है। फ्रांस का भी नदियों का जल यहां पर लाया गया है। जर्मनी से भी जल मंगवाया गया। इसके अलावा जॉर्जिया से भी जल लाया गया है। कई मुस्लिम देशों के भी नदियों के जल इकट्ठा किए गए हैं। स्विट्जरलैंड, इटली, तमाम ऐसे देश हैं जहां से ये जल मंगाया गया है। इराक से भी पवित्र नदियों का जल इकट्ठा हुआ है। कनाडा से भी जल आया है। 155 देश हैं जहां से ये जल मंगाया गया है, जिसका जलाभिषेक आज किया जाएगा। रामलला पर जलाभिषेक करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। कई मंत्री और नेता भी उनके साथ शामिल रहेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के भी शामिल होने की खबर है। अफगानिस्तान से भी जल आया है। उज्बेकिस्तान से भी जल मंगाया गया है। कई मुस्लिम देश हैं जहां से नदियों के जल को इकट्ठा किया गया है। देखिए, जलाभिषेक से पूर्व अपने गले को तर करना भी आवश्यक है, लेकिन इस महाअभियान को हमने कोरोना महामारी के समय, जब लोग एक देश से दूसरे देश जा भी नहीं सकते थे, अनेक कठिनाइयों को पार करते हुए 31 महीने के अंतराल में हमने इसको पूरा किया। जल उन देशों का भी यही है जो आपस में लड़ रहे हैं, यूक्रेन का भी है और रूस का भी है, और भारत के वो पड़ोसी मुल्क जो भारत में आतंकवाद को बढ़ावा देते हैं, ऐसे पाकिस्तान का भी है और चीन का भी है। हमारी आशा है 155 देश प्लस वन
बाबूर की जन्मस्थली उज़्बेकिस्तान का जल भी अयोध्या राम मंदिर में जलाभिषेक हेतु हम अर्पण करेंगे और आशा करते हैं इससे वैश्विक शांति, भाईचारा, सौहार्द और विकास को बढ़ावा मिलेगा। हमारे जीवन में हमारी तो हमेशा एक ही चर्चा रही, सनातन और हिंदू राष्ट्र। इसके लिए भारत के संत परंपरा के जितने भी आचार्य हैं, महापुरुष हैं, उनकी जो ऊर्जा है, उनकी जो तपस्या है, उसकी सकारात्मक ऊर्जा की प्रत्येक जीव को आवश्यकता है और निश्चित रूप से इस दास को भी आवश्यकता है। और ब्रज के प्रति हमारा बड़ा भाव है, ब्रजवासियों के चरणों में भी बड़ा भाव है। तो जब भी जीवन में खालीपन लगे, ब्रज आना चाहिए, इसलिए हम भी चले आए।